दिस इज मी रिद्धिमा ग्रोवर, वेलकम बैक टू अवर फारूक डेली। एंड आज मैं लेके आई हूँ एप्पल मैकबुक प्रो की वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको दो एसेसरीज दिखाऊंगी जो मैंने परचेज करी है। एंड बेसिकली जो मेरा मोटिव है आज की वीडियो बनाने का, वो है एप्पल के कीबोर्ड शॉर्टकट्स, जिसमें लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी आती है। जो लोग विंडोज़ से मैक में शिफ्ट होते हैं, उन लोगों को यूज़ करना नहीं आता है, थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है, बिकॉज़ वो बहुत हैबिचुअल होते हैं कीबोर्ड यूज़ करने का। लाइक कंट्रोल बटन से या विंडोज़ बटन से हम लोग बहुत सारी कमांड्स दे देते हैं विंडोज़ कंप्यूटर्स में। तो आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ, मैक लैपटॉप्स में, मैकबुक में वो कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, दिस इज़ फारूक डेली, एंड बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा, सो दैट आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस आती रहें। और इससे पहले मैंने एक मैकबुक प्रो की वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने मैकबुक इंस्टॉलेशन दिखाई थी, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और ऊपर आई बटन पर भी है, तो आप वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये बेल्किन का, ये एक प्रोडक्ट है जो मैंने परचेज़ किया है। दिस इज़ बेल्किन सी टाइप मल्टीमीडिया हब, जो कि आप इसको, दिस इज़ यूएसबी मल्टीमीडिया हब, जिसको आप अपने मैकबुक के साथ यूज़ कर सकते हो कुछ भी पेरिफेरल्स अटैच करने के लिए, फॉर एग्जांपल मोबाइल चार्ज करने के लिए, या फिर माउस अटैच करने के लिए, या फिर स्क्रीन्स मॉनिटर्स अटैच करने के लिए, या प्रोजेक्टर्स अटैच करने के लिए। सो इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। सो जो बेल्किन है, बेल्किन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन एसेसरीज़ लाइक पेरिफेरल्स कनेक्टर्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है बेल्किन। आप वीडियो पर बने रहिए, मैं इसका प्राइस भी आपको ज़रूर बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ ये कैसा दिखता है। इसके इंस्ट्रक्शंस हैं जो इसके साथ में आई हैं, और ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, दिस इज़ द मल्टीमीडिया यूएसबी हब। एंड इसको हम ओपन करते हैं। दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट, बेल्किन मल्टीमीडिया यूएसबी हब। इसके अंदर दिस इज़ द सी टाइप केबल, जो कि हमारे लैपटॉप में लग जाएगी, मैकबुक में लग जाएगी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसके साथ हमारे पास जो कनेक्टिविटीज़ कनेक्टर्स इसमें आए हैं, जो पोर्ट्स हैं इसके अंदर जो आए हैं, जो हम लगा सकते हैं इसके अंदर, जो है सबसे पहला जो है, दिस इज़ HDMI केबल का, हम HDMI कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर दो USB पोर्ट्स हैं जो आप USB कनेक्ट कर सकते हो। उसके साथ में इसमें हम एक SD कार्ड भी लगा सकते हैं, और इसके साथ सी टाइप USB पोर्ट भी है जो आप लगा सकते हो। एंड वन मोर, इसके अंदर इथरनेट केबल भी लग जाएगी। तो ये वाले इसमें कनेक्टर्स हैं। अब मैं आपको ये लैपटॉप में कनेक्ट करके दिखाती हूँ, और उसके बाद अपना कोई पेरिफेरल अटैच करके दिखाती हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेती हूँ। इसके अंदर एप्पल के अंदर हमारे पास चार पोर्ट्स आते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो अब मैं इसके अंदर इसको कनेक्ट कर लिया है, एंड अब इसके साथ मेरे पास काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। दिस इज़ एप्पल मैजिक माउस, जो मैंने स्पेस ग्रे कलर में ऑर्डर किया था। वाइट में भी आता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बट दिस इज़ न्यूली लॉन्च, बिकॉज मेरा एप्पल जो मैकबुक है वो स्पेस ग्रे है, तो मैंने स्पेस ग्रे में ऑर्डर किया था। तो इसका प्राइस मैं एंड में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी से हमारी मोटिवेशन बढ़ती रहती है और हम वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। Wow, look at this beauty. This is the mouse. ये glossy finish के अंदर है, black color में, और नीचे से this is space grey. ये भी laser से ही चलता है, जैसे हमारे normal mouse चलते हैं, wireless mouse. But ये जो है, ये जो wireless normal mouse होते हैं जो हम दूसरे brands के use करते हैं, उसके साथ हमें USB connector connect करना होता है, but ये जो है हमारा Bluetooth से connect होता है। तो चलिए इसकी connection, इसकी connectivity करते हैं। उससे पहले मैं चेक करूं कि इसके बॉक्स में हम लोगों को क्या क्या मिला है। ये जो है इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं इसके साथ जो आई हैं, और इसके साथ एक आई है ये लाइटनिंग केबल, जो एक तरफ से ये लाइटनिंग है, दूसरी तरफ से ये USB चार्जिंग केबल है। ये माउस को चार्ज करने में काम आएगी, बिकॉज ये माउस जो है ये सेल से नहीं चलता है। ये वाला जो माउस है इसको बैटरी ऑपरेटेड है, एंड इसके अंदर ये एक बटन है, दिस इज़ द पावर बटन। इसको मैं ऑन ऑफ कर सकती हूँ, इसको मैं ऊपर नीचे
ये हो जाएगा, दिस इज़ दी पावर बटन जो हम लोग इसको ऑफ करके रखें सो दैट इसकी बैटरी वेस्ट ना हो। तो चलिए अब लैपटॉप से काम स्टार्ट करते हैं, मैकबुक से काम स्टार्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं एंड बेलकन भी मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ कुछ भी कनेक्ट करके। तो इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम अपने ब्लूटूथ में जाते हैं। ब्लूटूथ में जाके अभी इसके अंदर ये देखिए आप ऑटोमेटिकली शो कर गया है मैजिक माउस 2। मैजिक माउस 2 को कनेक्ट करेंगे। दिस इज नाउ कनेक्टेड। अब जो मेरा मैजिक माउस है वो चल रहा है इसके अंदर। तो चलिए माउस तो हो गया कनेक्ट। और जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर हमें बैटरी सिंबल भी दिख रहा है कि हमारे माउस की बैटरी कितनी है, हम उस हिसाब से इसको चार्ज भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी एंड वेरी कंफर्टेबल टू यूज़। एंड इसके बाद अब हम लोग चलते हैं बेलकन पे, कुछ कनेक्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ सो दैट आपको पता चले कि इसकी कनेक्टिविटी कैसे हुई है। मैं बेलकन पे सबसे पहले माउस की ही बैटरी चार्जिंग पे लगाती हूँ। दिस इज़ अगेन द नॉर्मल USB जो हम लोग यूज़ करते हैं। मैं इसी को ही बेलकन के पोर्ट में लगाती हूँ एंड बेलकन का ये वाला जो पोर्ट है इसके अंदर इसको लगा देते हैं। उसके बाद हम माउस चार्ज करते हैं। सो अब मैं आपको इसकी सेटिंग दिखाती हूँ माउस की। माउस की हम सेटिंग्स में ऐसे जाएंगे, सेटिंग्स में जाके आप डायरेक्टली इसको माउस खोल सकते हो। माउस खोलने के बाद इसके अंदर आपको ये पॉइंट एंड क्लिक पे जाएंगे तो आपको ये सेटिंग्स मिलेंगी। मेन जो भी सेटिंग है, मेरे को माउस जो है वो बहुत स्लो लग रहा है ट्रैकिंग स्पीड, तो मैं इसको फास्ट कर देती हूँ, इवन फास्ट टेस्ट कर देती हूँ जो मुझे ईजी रहेगा। एंड इसके अंदर जो है 83% जो बैटरी है एंड आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जैसे कि चार्जर जो है अभी डिस्कनेक्ट हो चुका है एंड 83% बैटरी फिर भी दिख रही है। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसके जो शॉर्टकट्स हैं, जो कीबोर्ड कमांड्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें माउस की ज़रूरत नहीं है। तो मैं माउस की सेटिंग्स को क्लोज करके इसमें पावर ऑफ करके इसको साइड पे रख देते हैं एंड अब स्टार्ट करते हैं इसके कीबोर्ड कमांड्स के साथ। इसके अंदर जो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग से मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि सबसे पहले हमें एप्पल में कुछ भी स्टार्ट करने के लिए हमें स्पॉटलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। स्पॉटलाइट इज़ अ सर्च बार जो कि हम एप्पल में यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कमांड एंड स्पेस बार से, जिसके अंदर हम लोगों को स्पॉटलाइट सर्च आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं खोलती हूँ इसके अंदर एडिटर। ये एक एडिटर है। इसके बाद हम न्यू डॉक्यूमेंट में जाते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट में जाने के बाद हम लोगों को ये एडिटर दिखता है जैसे कि नोटपैड होता है हमारे पास विंडोज़ में। तो इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करती हूँ लाइक एरफारोंग डेली, इसको मैंने टाइप किया है। तो हम लोगों को इसको सेलेक्ट करने के लिए हमें करना है कमांड ए। सो ये सेलेक्ट हो गया। कमांड ए सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करने के लिए कमांड सी एंड देन इसको एंटर करने के लिए हम लोग पेस्ट करने के लिए देन कमांड वी। दिस इज़ अगेन द सेम। अगर हम यूट्यूब खोलते हैं या कोई भी एक वेबसाइट खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल youtube.com मैंने इसको खोला है एंड यूट्यूब खोलने के बाद जो हमारा ये ऊपर का जो लिंक है, अगर हम लोगों को इसको कॉपी करना हो तो हमें कमांड एल प्रेस करना है। इसको ये कमांड एल से ये सेलेक्ट हो गया है एंड कमांड सी से कॉपी हो गया है। एंड देन अगर हम लोगों को डिफरेंट टैब्स खोलने हों, जैसे कि हमें एक से दूसरी विंडो पे जाना हो, तो इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं कमांड एंड टैब। आप इसमें देख पाओगे कि इसके अंदर बहुत सारे आपको टैब्स दिख रहे हैं, ये विंडोज़ दिख रही हैं। हम लोगों को जो खोलना हो हम वो खोल सकते हैं। तो हमारे पास एक ही स्क्रिप्ट एडिटर खुला हुआ है, हमने कॉपी कर लिया है लिंक, इसको एंटर करेंगे यहाँ पर कमांड एंड वी, तो यहाँ पर भी वो पेस्ट हो गया। सो दिस इज़ द वे। और इसको रीडू करने के लिए इसके अंदर कमांड एंड जी प्रेस करेंगे तो ये रब हो जाएगा। सो दीज आर दी वेज जिसमें हम सेलेक्ट कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट शॉर्टकट दिखाती हूँ। इसके बाद हम जो प्रेस करते हैं कंट्रोल कमांड एंड स्पेस बार, इससे हम लोगों को इमोजीज की विंडो खुल जाएगी जिसमें हम लोगों को कोई भी इमोजी लेने हो, कहीं टाइप करने हो, कुछ करने हो, तो हम इसको प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं कमांड प्लस क्यू कोई भी विंडो को क्लोज करने के लिए। कमांड प्लस क्यू प्रेस करने से हमारी जो भी विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। दिस इज़ नॉट मिनिमाइज, दिस इज़ क्लोज, परमानेंटली क्लोज हो चुकी है। अब मैं दोबारा से इस विंडो को खोलती हूँ। अब मैं आपको मिनिमाइज़ का भी बताती हूँ। दिस इज़ कमांड प्लस एच इज़ फॉर मिनिमाइज। इसमें आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट के लिए हमारे पास कीज़ होती हैं शिफ्ट कमांड एंड 3। ये इसने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब स्क्रीनशॉट
के साथ। अभी तो इसने रैंडम फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया है, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। और अगर हम लोगों को लेना हो शिफ्ट कमांड एंड 4, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि स्निपिंग टूल होता है हमारे पास विंडोज में, ऐसे ही शिफ्ट कमांड एंड 4। तो इसके अंदर हम जाएंगे तो हम लोगों को ये ऐसे शो होगा, हम लोगों को जितना स्क्रीनशॉट लेना है हम उतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो दिस इज़ द स्क्रीनशॉट विच वी हैव टेकन, दिस इज़ लाइक अ स्निपिंग टूल। अब मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ। अब मैं इसके बाद एक थर्ड ऑप्शन आपको वो दिखाना चाहती हूँ जिसके अंदर आप अपने तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्लस स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दिस इज़ शिफ्ट कमांड एंड 5। इसके अंदर अब काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप कैप्चर भी कर सकते हैं, ऑप्शंस में जाके इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और इसके अंदर रिकॉर्डिंग, जैसे कि मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा मिनिमम ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इसके अंदर मेरे को स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है बिकॉज मेरी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है, तो इसको करते हैं अभी बंद। एंड स्पॉटलाइट जो मेन इसका सर्च बार है उसको खोलने के लिए हम लोगों ने कमांड एंड स्पेस बार लिया था। स्पॉटलाइट के अंदर हमारे पास दो और फीचर्स होते हैं कि इसके अंदर हम लोग करेंसी कन्वर्जन भी कर सकते हैं एंड कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर अगर आपको बताऊँ 15 यूरोज मैं इसमें टाइप करती हूँ, आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं इसके अंदर इंडियन रुपीज़ में आ गया है कि आज के रेट के हिसाब से क्या करेंसी चल रही है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। इसके अलावा अगर हम लोगों को कुछ कैलकुलेशंस करनी हो, फॉर एग्जाम्पल 12 + 5, आप देख सकते हैं नीचे ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ चुका है। सो दिस इज अ स्मॉल कैलकुलेटर विच वी कैन यूज इन द स्पॉटलाइट सर्च बार डायरेक्टली। और हम लोगों को स्क्रीन से या कोई भी एक फाइल है जो डिलीट करनी हो, दिस इज CMD, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, दिस इज CMD इज कमांड प्लस डिलीट, इसमें ये डिलीट हो गया है। और उसके अलावा मुझे अगर कुछ परमानेंटली डिलीट करना हो तो इसमें एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन CMD प्लस डिलीट, ऑप्शन CMD प्लस डिलीट। अब इसमें मेरे से पूछ रहा है आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस स्क्रीनशॉट परमानेंटली, मैं डिलीट भी कर सकती हूँ या कैंसिल भी कर सकती हूँ, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये वाली फाइल आप कभी रिसाइकल बिन से इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। सो अभी मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। एंड जो लोग ऑलरेडी आईफोन यूज़ कर रहे हैं, आईफोन के अंदर एक फ़ीचर होता है एयर ड्रॉप का। अगर आप लोगों को कोई भी पिक्चर अपने मैकबुक में लेके जानी हो, आप एयर ड्रॉप से सर्च कर सकते हैं, अपना एप्पल आईडी लैपटॉप में मैकबुक में लॉगिन कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली इसी के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। आप लोगों को कोई विंडोज़ की तरह कोई iTunes नहीं चाहिए या कोई और सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए कुछ भी शेयर करने के लिए। सो ये थे कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो मैंने सीखे हैं लैपटॉप के अंदर, मैकबुक के अंदर, जो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। आप लोग कुछ और भी जानना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस डेली बेसिस पे शेयर करते हैं अपने चैनल पे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। एंड आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी आप फीडबैक देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, rithima.growers एंड sumit.chaudhary। इंस्टाग्राम के जो IDs हैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप लोग हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं, हम लोग डेली बेसिस पे अपनी वीडियोस लेकर आते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी या।